आप सभी आनंद में कोई अव्यवस्था तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, चाय वाय पीकर आए हैं, गुड, उतना ही पाकर जाओगे जितनी पात्रता होगी तुम्हारी, फल विवेक। तुम चम्मच जितनी पात्रता तैयारी लेकर आए हो तो उतना मिलेगा, तुम बाल्टी जितनी तैयारी लेकर आए हो तो उतना मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि यह तैयारियां भी सद्गुरु ही कराता है, लेकिन तुम उतने भर पाओगे जितने तुमने प्रयास किए हैं, भीतर का राग जगाने के प्रयास हुए हैं। अभी का ये सेशन है स्वराज क्रिया नेक्स्ट लेवल लॉन्च करने का, लेकिन इस सेशन में मैं एक बार तुम्हें पूरी पूरी क्लैरिटी दे देना चाहती हूँ, क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ, क्यों? कुछ नए लोग आते हैं, नए प्रश्न उठते हैं उन्हें, साधना, सत्संग, भक्ति, उत्सवात्मकता, ये सब क्यों है SRM का, कि DNA में ये सब चीज़ें क्यों भरी है? क्योंकि तुम यदि नए हो, पहली ही बार आए हो, तो तुम्हें लगेगा कि ये व्हाट इज दिस, धर्म के नाम पर हमने आज तक कभी ऐसा उत्सव नहीं देखा, यस और नो? ये चल रहा है यहां पर, कहां पहुंचाना चाहता है ये? अलग अलग ढंग है बोध देने के, चाहे उत्सव है तो भी बोध दे रहा है तुम्हें कि यही महोत्सव तुम्हारे भीतर है, चाहे सत्संग है तो भी तुम्हें बोध दे रहा है, हर एक सत्संग बोध की अनुपम धारा है, धम्मपद के एक एक सत्संग स्वरूप को उघाड़ रहे हैं। तो कल का ही जो सत्संग था सेल्फ लव, तुम्हें जीवन जीने में क्या कमी थी ना, शायद तुम्हें कल के सत्संग से पता चल गया, दैट वॉज मिसिंग, सेल्फ लव। और ऐसी तालियां तुम पहली बार बजा रहे हो ऐसा तो नहीं है, हर सत्संग के बाद तुम लोग ऐसी ही तालियां बजाते हो कि हाँ यही तो कमी थी, इतना ही तो चूक रहे थे हम, यही तो समझ ना पाए थे। तो एक तरफ सत्संग का काम है तुम्हें जीवन का सही रूप दिखाना और उस रूप को समझकर स्वरूप की ओर यात्रा करना। तो साधना का काम है स्वरूप के अंदर डुबकी मारने के वो सूक्ष्म अभ्यास कराना, दोनों चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी तुमने गाया, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावे, विकट रूप धरी लंक जलावे। सत्संग सद्गुरु का विकट रूप है तुम्हारी लंका जलाने के लिए, और साधना श्री गुरु का सूक्ष्म रूप है तुम्हें तुम्हारी सिया सीता को दिखाने के लिए। ये हनुमान चालीसा के कुछ नए ही अर्थ निकल कर आने वाले हैं, तुम जानते ही हो, तुम जो सुनना शुरू करना तब तुम्हें मजा आएगा, कि अभी तो तुम्हें ये दिखाया जाएगा लंका जल रही है, अरे भाई हमें तो तुम्हारी लंका जलानी है, और तुम्हारी लंका इसलिए जलानी पड़ती है क्योंकि तुमने उसे सोने की मान रखा है, और जिसे तुम सोने की मानोगे यानी जिसमें तुमने वैल्यूज डाली है उसको जलाने का काम कितना खतरनाक है, इजंट इट? और इसीलिए हनुमान इधर उधर फुदकते हैं और जला कर तो आते हैं, हम भी 10 सालों से फुदक रहे हैं इधर उधर, और हम जानते हैं तुम लोगों की लंकाएं जल रही है। ये 4 लाइनें आती हैं तुम्हें, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावे, विकट रूप धरी लंक जलावे, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। कौन रामचंद्र के काज सवारेगा? सद्गुरु, राम यानी ईश्वर, और ईश्वर की बनाई ये काज, ये दुनिया, उसमें छोटी सी है लंका तुम्हारी, लेकिन उस ईश्वर के काज सवारेगा कोई सद्गुरु आकर। किस तरह?
सत्संग के माध्यम से इतना विराट रूप लेगा, ज्ञान इतना विराट होगा, इतना व्यापक होगा कि तुम्हारी सारी रॉन्ग इक्वेशंस टूट रही हैं कि नहीं। और साधना के माध्यम से इतना सूक्ष्म रूप धारण करेगा, तुम्हारे भीतर ये हो रहा है तुम्हें, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कल के एनर्जी राउंड के बाद तो तुम सब खेलने लग गए हो गेंद से। दोनों चाहिए। और SRM के साथ पिछले 10 सालों से हम ये सारी यात्रा कर रहे हैं, इजंट इट। तुम सूक्ष्म भी होते जा रहे हो और तुम व्यापक भी होते जा रहे हो। तुम्हारी बाहर की लंका रॉन्ग इक्वेशंस में मिट रही है और तुम्हारे भीतर का जो वननेस का बोध है वो भी प्रकट हो रहा है। क्यों चाहिए वननेस का बोध? ले आओ पूरा अपना बोर्ड वगैरह। सद्गुरु नाम की चेतना हर थोड़े थोड़े समय के बाद इस पृथ्वी पर प्रकट होती है। वक्ता नहीं सद्गुरु, मैं सद्गुरु की बात करती हूं। सद्गुरु यानी एक ऐसी चेतना जो अभी तुम्हारे बीच तो है, लेकिन जिसने उस विराट रूप को भी जाना है, उस परम रूप को भी जाना है, उस दिव्य रूप को भी जाना है, और उस तक पहुंचने के जिसे मार्ग ढूंढने आते हैं, द वन हु कैन एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों को हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजीज को डिवाइस करना, कुछ टेक्निक्स को डिवाइस करना, ये एक सद्गुरु की कला होती है, कहो तो दिव्य कला होती है, अ डिवाइन टैलेंट। हर कोई खोज रहा है उसी अनंत व शाश्वत आनंद को। इस पेज पर तो है हम, यस, यहां तक तो सालों में अब हमने ये तो पक्का कर लिया है, वी ऑल आर सीकिंग फॉर हैप्पीनेस। ये सुनो, हर कोई खुशी खोज रहा है। रौनक, तुम घूमने भी गए तो तुम खुशी खोज रहे थे कि नहीं? लेकिन वो खुशी की जाति क्या है? अनंत, कभी खत्म ना हो, लेकिन तुम्हारा अनुभव क्या है? खुशी तो खत्म हो जाती है। उस खुशी की जाति कैसी है? शाश्वत, हमेशा रहे। हर क्षण तुम उसका अनुभव करो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना इनफाइनाइट, उसकी व्यापकता कितनी कि जिसका जिसके सामने कुछ टिक ही ना सके। हम सभी की खोज वही है, लेकिन जीवन जीते जीते अनुभव यह है कि चाहे आशा कितनी भी बांधी हो किसी भी संबंध से या किसी भी वस्तु से या किसी भी परिस्थिति से, वो चीज मिलती नहीं है। ये बात तो SRM के शायद रोम रोम के अंदर घुसी हुई है, यस और नो? क्योंकि अब पूरा एक बार रिकैप हो जाएगा, बिकॉज वी आर इनटू दिस 10th ईयर, तुम्हें पूरा पता चल जाएगा कि मैं 10 साल से तुम्हें एक यात्रा पर लेकर गई हूँ। 10 ईयर्स हैव बीन अ जर्नी विद मी। तो हम सब क्या खोज रहे हैं? एटर्नल एंड इनफाइनाइट हैप्पीनेस, यस और नो? अनंत व शाश्वत आनंद, और अनंत व शाश्वत आनंद, इसी को हम ब्लिस कहते हैं, द स्टेट ऑफ ब्लिस। ये स्टेट ऑफ ब्लिस हम जो खोज रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ वननेस। ये जो हम खोज रहे हैं, यही वो अनंत है, वननेस, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। और हम क्यों खोज रहे हैं? कोई भी चीज आप कब खोज सकते हो? कोई भी चीज सोचकर बताना, आप कब खोज सकते हो? जब वो तुम्हारे पास पहले कभी हो। अगर ये पेन मेरे पास पहले कभी था ही नहीं तो मैं इसे ढूंढू क्यों? यस और नो? लेकिन जो मेरे पास पहले था और अभी नहीं मिल रहा, तो मैं इधर उधर भटक रही हूं उसे खोजने के लिए। तो हम सब ये इटर्नल एंड इनफाइनाइट हैप्पीनेस को खोज रहे हैं, क्योंकि हम इसी को बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू दैट स्टेट। लेकिन जैसे अगर माना जाए कि वननेस इज इक्वल टू, ये एक ओशन है, बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन है, तो इसी वननेस में से एक बूंद निकल कर आई है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। दिस इज अ बूंद, दिस इज अ ड्रॉपलेट, एक छोटा सा।
इस कॉन्शियसनेस को तीन साधन मिले, कौन से? बॉडी, शरीर, माइंड, मन एंड इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि. इंटेलेक्ट तक तो तुम अभी अभी पिछले कुछ वर्षों में ही पहुंचे हो. पहले तो केवल शरीर था, धीरे धीरे चेतना का विकास और विस्तार हुआ तो मन आया, और विकास और विस्तार हुआ तो अब तुम्हारे पास इंटेलेक्ट नाम की भी एक फैकल्टी है. नाउ यहां तक बात समझ में आ रही है? रिकैप चल रहा है, 10 साल SRM के कहां तक हमारी जर्नी कैसे चली. अष्टावक्र के अंदर तो तुम्हें यह बिल्कुल याद हो गया था, दिस इज आई. लेकिन ये आई क्या खोज क्या रहा है? खोज क्या रहा है? अनंत और शाश्वत आनंद. और ये अनंत और शाश्वत आनंद सुख, ऐसा सुख क्यों खोज रहा है? क्योंकि आई बिलोंग टू दैट. मैंने उसका स्वाद चखा है कभी. और कब चखा होगा तुम्हें याद है ना? बिफोर द बिग बैंग हैपेंड. वो बिग बैंग हुआ, उससे पहले सब कुछ एक था, और यहां पर तुमने उस स्वाद को चखा है. इवन ये बिग बैंग जब क्लोज हो जाएगा, सब कुछ वापस टाइम एंड स्पेस, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, और तब तुम वापस उसी स्वाद के अंदर रहोगे. तो जो स्वाद तुमने चखा है जब से तुम्हारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होनी शुरू हुई, तब से तुम उसी स्वाद को खोज रहे हो. जैसे जैसे तुम इस स्वाद को खोजते गए, तुम्हारे को नए नए साधन देते गए ईश्वर. उस अब हम इसे एनर्जी नहीं कहते, हम इसे अपनी संस्कृति में ईश्वर कहते हैं. और उस ईश्वर को हमने साकार रूप भी दे दिया. ये संस्कृति इतनी प्यारी है ना. वैसे तो ईश्वर यानी यू ऑल नो इट्स जस्ट एनर्जी, इनफाइनाइट इटर्नल एनर्जी है. लेकिन हमारी संस्कृति ने इसे बड़े प्यारे प्यारे साकार रूप दिए. क्योंकि यदि ऐसा कहा जाए वो एनर्जी है तो उसे प्रेम करना मुश्किल होगा. एनर्जी, ओए भागो. लेकिन अभी उसको ये बोला कि अरे वो एनर्जी राम रूप में है, सीता रूप में, मां रूप में है, अब उसे प्रेम करना कितना आसान हो जाएगा. इसलिए संस्कृति ने इसे एनर्जी के बदले ईश्वर के विविध विविध रूपों में इसकी स्थापना करी. ये कारण था. बिकॉज एनर्जी खाली कहो तो यू डोंट गेट दैट फील. एनर्जी है तो है, ठीक है, होगी. लेकिन व्हेन वी से इट्स राम, इट्स सीता, तो तुम जिस गॉड के साथ कनेक्ट करते हो, इट्स कृष्णा, वॉट एवर, इट्स काली, इट्स दुर्गा, वॉट एवर गॉड और गॉडेसेस फॉर्म, ये सारे फॉर्म उस एनर्जी के ही है. लेकिन फॉर्म देने के कारण उस फॉर्मलेस से प्यार करना आसान हो गया कि नहीं? ये हमारी संस्कृति की विराटता है, दूरदर्शिता है. चाहते तो वो भी कह देते इट्स अ फॉर्मलेस एनर्जी, लेकिन फॉर्मलेस से प्यार करना, मोहब्बत करना आसान ही नहीं है. आसान क्या, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है. लेकिन जब उन्होंने उसे माँ का रूप दे दिया, सबसे पहली जो संस्कृति आई जो फेमिनिन ओरिएंटेड थी, स्त्रैण प्रमुखता थी जहां पर, वहां उन्हें माँ का रूप दिया, तो माँ से सबसे ज्यादा प्रेम इंसान को होता है, इजंट इट? सबसे पहला जो प्रेम का तुम्हें नजराना मिलता है हमेशा माँ से मिलता है, तो माँ का रूप दिया. फिर तो ये संस्कृतियाँ आगे आगे बढ़ती गई, अपनी अपनी भाषा में कुछ कुछ बोलती गई, तो अलग 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 रूप आते गए. लेकिन वॉट एवर इट इज, जो ईश्वर है दैट इज दिस वननेस. यस, ईश्वर इज दिस वननेस. वननेस इज मेड अप ऑफ एनर्जीज. एनर्जीज हैज सम वाइब्रेशन, सम फ्रीक्वेंसीज. यही एनर्जी गॉड की फॉर्म में है. इट्स एन इनफाइनाइट ओशन. लेकिन जब बिग बैंग हुआ तो हमारे को यही एनर्जी मिल गई कॉन्शियसनेस की फॉर्म में. तुम हो अभी, कॉन्शियस हो, जाग रहे हो, जी रहे हो. यस, इसे धीरे धीरे इस विकास यात्रा पर बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ये तीन गैजेट्स मिले. थोड़ी देर के लिए ही से ये सब कुछ मिला है, थोड़ी देर. अगर इस पूरी टाइमलाइन पर देखा जाए, अरे अंकित तुमने मुझे वीडियो भेजी थी, वो अंकित यू सेंड मी दैट वीडियो, पूरा टाइमलाइन पर देखा जाए तो हमारी कॉन्शियसनेस की इवोल्यूशन कितनी, इतनी सी देर के लिए, देन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, पता नहीं कितने ट्रिलियन लगा रखे थे, उतनी ईयर के लिए वापस सब कुछ डार्क एनर्जी में मर्ज हो जाने वाला है. ये थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम. वैसे ये थोड़ा सा टाइम भी वैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स होता है. लेकिन जब तक हमारा सूरज का गोला चल रहा है, जब तक अभी डार्कनेस, डार्क एनर्जी एंड मैटर के अंदर हम नहीं जा रहे, तब तक ये सब लीला चलेगी. और इस लीला के अंदर व्हाट द ब्लेस्ड, ब्लेस्ड,
क्या ऐसी ब्लेस स्टेट है राइट नाउ कि हमें ये तीनों गैजेट्स मिले हैं? यस और नो? तुम्हें ये तीनों गैजेट्स मिले थे किस लिए? मिले थे किस लिए कि तुम इस वननेस को फील कर पाओ. लेकिन तुमने इन गैजेट से किया क्या? तुम सुखी, खोज तुम्हारी सुखी है, लेकिन तुम शरीर का सुख खोजने लग गए, कंफर्ट. तुम मन का सुख खोजने लग गए, दूसरे मुझे प्रेम करे, दूसरे मुझे प्रेम करे, दूसरे मुझे इज्जत दे, दूसरे मुझे सम्मान दे, दूसरे मुझे अप्रिशिएट करे, वो मन का सुख. और तुम इंटेलेक्ट का सुख भी खोजने लग गए कि मुझे ये शास्त्र पता हो, मुझे ये मालूम हो, मेरे पास इतनी इतनी प्रज्ञा तो अब मैं नहीं कह सकती बुद्ध के साथ, लेकिन मेरे पास इतना सारा ज्ञान का खजाना हो कि अगेन मन तुम चाहते हो कि तुम दूसरों को प्रभावित कर सको, क्योंकि तुम्हें लगता है दूसरों को प्रभावित करके तुम सुखी हो जाओगे. लेकिन तुम कितना भी सुखी दूसरों को प्रभावित करके हो, इट कैन नेवर मैच दिस क्वालिटी, नेवर. दूसरे को प्रभावित करके तुम खुश भी हो जाओ. अब कल तुम कबीरों ने दूसरों को प्रभावित किया, मुझे भी प्रभावित किया, डेफिनेटली तुम सबने हमें प्रभावित किया, लेकिन इनका प्रभाव कितनी देर रहेगा तुम्हारे ऊपर? वापस सुबह चाय गर्म नहीं मिलेगी तो वापस वो प्रभाव तुम्हारा सारा ठंडा पड़ेगा कि नहीं? तुम्हें भी अच्छा लगा होगा, वाओ लोग कितने खुश हुए, कितना अच्छा हम लोगों का सारा कल बिल्कुल ट्यून्ड अप था. लेकिन ये खुशी कितनी देर रहती है दिशा प्रभु? नॉट एवर लिव्ड तो नहीं होगी ना, शॉर्ट लिव्ड होती है, एक दिन, दो दिन, पांच दिन. शायद तुम वापस मेमोरी लेन के अंदर वापस पीछे जाओ, वापस एक आध तरंग आ जाएगी, बट इट कैन नॉट बी विद यू फॉर एवर, इजंट इट? कहीं ना कहीं हर एक चीज यहां पर शॉर्ट लिव्ड है, या ऐसा कहें कि वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें खुश कर सकती है, पर हम किसे खोज रहे हैं? परमानेंट के लिए. अब ये तीन जो हमें गैजेट्स मिले थे, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, ये तीनों गैजेट्स को हमें क्लिंजिंग में डालना पड़ेगा. सत्संग क्या करता है? इन तीनों गैजेट्स की क्लिंजिंग करता है, संयम के माध्यम से बॉडी की क्लिंजिंग, सत्संग के माध्यम से माइंड और इंटेलेक्ट की क्लिंजिंग चल रही है, तुम्हारी राइट इक्वेशन सेट हो रही है, तुम्हें संयम के सूत्र समझ में आ रहे हैं. इन सब की, सत्संग और ये आराधना जो भी हम करते हैं, ये उससे क्लिंजिंग करता है. और साधना के माध्यम से वी टर्न इनवर्ड, और वी से वी टर्न अपवर्ड, कुछ भी बोल दो, वी टर्न इनवर्ड और वी टर्न अपवर्ड, बिकॉज द जर्नी इज अपवर्ड. तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हें यहां मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता, हाँ कि नहीं? जो तुम जिस जाति का सुख खोज रहे हो और ऊपर से नित्य नवीन सुख खोज रहे हो तुम, यस और नो? तुम यहां पर भी सुखी हो, तुम शायद हनीमून मनाने गए होगे, वहां पर भी सुखी थे, लेकिन फिर भी तुम कुछ नई जाति का सुख ढूंढ रहे हो ना हर बार. इसलिए तुम घर पर सुखी ही थे, लेकिन फिर भी तुम बाहर जाते हो घूमने, 6 दिन का वेकेशन मना के आते हो, घर पर आते वाह होम स्वीट होम. लेकिन ये बाहर जाकर आते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि होम स्वीट होम, यानी तुम कुछ नई जाति का सुख एवरी टाइम ढूंढ रहे हो. नित्य नवीन सुख की खोज गलत नहीं है. गलत क्या है? तुम जिस दिशा में ढूंढ रहे हो वहां वो नहीं मिलेगा. मिस्टेक कहां होती है? तुम जिस डायरेक्शन में उसे खोज रहे हो, तुम बॉडी के डायरेक्शन में नित्य नवीन आनंद खोज रहे हो, नहीं मिल सकता. तुम माइंड की डायरेक्शन में खोज रहे हो, नहीं मिल सकता. तुम इंटेलेक्ट की डायरेक्शन में खोज रहे हो, नेवर 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 पॉसिबल. द पाथ इज विद इन. देयरफॉर 10 साल पहले भी जब हमने इस मिशन की स्थापना की तो हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या था, तुम्हें याद है? लिबरेशन इज इनसाइड, सो इज द पाथ, वी आर ऑन द रिटर्न जर्नी. ये हमारी पूरी रिटर्न जर्नी का यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोग्राम बना रखा है. और इस प्रोग्राम में डेफिनेटली अगर तुम सदगुरु के साथ चल रहे हो, ऑब्वियसली ये तो प्रोग्राम सदगुरु के साथ ही पॉसिबल है, लेकिन सदगुरु के साथ चलोगे तो इट इज फुल ऑफ मस्ती, फुल ऑफ उत्सव. और इसलिए SRM के अंदर तुम देखोगे अभी उत्सव है और अभी ध्यान. कल देखा ना, रात को अभी तालियां बजा रहे थे, अभी उत्सव के माहौल में थे और अभी अचानक ध्यान में सरक गए. यहाँ पर ये दोनों का एक बड़ा ही अच्छा बैलेंस में देख पा रही हूँ. इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मी, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू नाउ.
तुम सबके कारण ये बैलेंस मुझे दिखता है. तुम केवल बहिर्मुख रहना नहीं चाहते, तुम बहिर्मुख भी होते हो, लेकिन तुरंत जैसे ही मैं आवाज लगाऊं चलो बच्चों, वैसे ही तुम तुरंत भीतर लौटने को भी तैयार हो जाते हो. ग्रेट, वेरी नाइस. बस इतना ही आयोजन है. चाहे मैं कोई भी शास्त्र उठाऊं, चाहे 3 साल हम भगवत गीता करें, चाहे 3 साल श्री उत्तराध्यन सूत्र करें, चाहे भक्तांबर स्तोत्र के सत्संग हो, चाहे भावना भवनाशिनी हो, चाहे तप हो, कुछ भी हो, चाहे अब धम्म पद है, चाहे आगे जाके जप जी आए, चाहे आगे जाके रामचरितमानस आए, कोई भी आए, लेकिन काम केवल इतना है किस तरह से तुम्हारी बाहर जाती चेतना को वापस लौटा जाए. तुमने जितनी जितनी लंकाएं अपनी बना ली है, जितना विस्तार कर दिया है, उसको किस तरह से बार बार जलाया जाए. काम केवल इतना है. तुम कहोगे बस ओवर, इतना ही. हाँ जी सैनिक, इतना ही काम. कितने साल भगाओगे, कितने साल दौड़ाओगे? ये जितने भी दौड़ रहे हैं ना फर्स्ट लाइन वाले, ये सारे 10 साल से हैं मेरे साथ. होगा क्या, 2 साल तो मैं दौड़ाऊंगी, उसके बाद 8 साल तुम खुद दौड़ोगे. इतना ही है. गिव मी 2 ईयर्स, ओनली 2 ईयर्स. इसलिए कल जिन्होंने स्वराज क्रिया ली उन्हें मैं कहूंगी गिव मी 2 ईयर्स, 2 साल दो मुझे, और तुम्हारे जीवन में आमूल रूपांतरण तुम देखोगे. आमूल. तुम्हारा जीवन नीरस नहीं होगा. मयूर प्रभु कहाँ बैठे हैं? मुझे वापस सनसेट देखने जाना है ना तुम्हारे घर, इसलिए गिव मी 2 ईयर्स. तुमने कल ये साधना ली, थोड़े दिन में तुम्हारे ऐप में आ जाएगी ये, जैसे भी होगा ऐप का सिस्टम. गिव मी 2 ईयर्स, डोंट हरी. 2 साल मुझे दो, और फिर उस 2 साल के बाद देखना कि 2 साल का जीवन और उससे पहले के जीवन में कितना फर्क है. अगर 2 साल का जीवन तुम्हारा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो उसके बाद का जीवन तुम्हारा रिटर्निंग पॉइंट होगा. यू ऑल सीकर्स, जिन्होंने कल लिए है स्वराज क्रिया, याद रखना 2 साल मुझे देना. हड़बड़ी मत करना. रौनक तुमने भी कल ही ली है. ये नहीं कि अभी तो ले लिया उसके ग्रीष्म के प्रभाव में, लेकिन आई नो उसके प्रभाव में नहीं लिया तुमने, लेकिन बाद में हड़बड़ी नहीं कि अरे जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए. नहीं, जो जल्दी होगा वो कच्चा होगा. Isn't it? हमें पक्का काम करना है, और उस पक्के काम के लिए तुम केवल मुझे पूरे समर्पण के साथ के 2 साल दो. बाकी की यात्रा हम आगे देखेंगे. लेकिन SRM में हम जो भी शास्त्र उठाएंगे, हर बार मैं केवल तुम्हें यही चार्ट समझा रही हूँ कि नहीं, इतना ही समझा रही हूँ, इससे बाहर कुछ है? तुम कहोगे कितना विस्तार कर सकते हो? कर सकते हैं. यही एक सद्गुरु की कला होती है, और इसी सद्गुरु के सानिध्य में साधना जन्म लेती है. क्योंकि जहां विस्तार होता है वहां उसका सार भी होना चाहिए. तो व्हाट इज साधना एट SRM? ठीक से समझ लो, व्हाट इज साधना एट SRM? हम किस तरह से तुम्हें रिटर्न जर्नी पर लेकर जाते हैं? सत्संग के माध्यम से तो लेकर जा रहे हैं, तुम्हारी लंका को जला रहे हैं, यस, लेकिन साथ साथ में तुम्हें अयोध्या भी तो दिला रहे हैं. दोनों काम चाहिए. लंका जली और वहां कुछ नहीं मिला, तो वो अर्जुन की तरह लटकने वाला भाव आ जाएगा वापस कि भीतर कुछ मिला नहीं, बाहर का छूट रहा है, केशव बताओ मैं कैसे युद्ध करूं. वो अर्जुन की दुविधा आ जाएगी. लेकिन नहीं, सदगुरु पैरेलल चलाते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि सत्संग और साधना दोनों पैरेलल चाहिए. तुम किसी भी स्टेज पर एंट्री लो ना, क्या फर्क पड़ता है? किसी किसी को हो सकता है अरे ये सब नए लोग आए, ये मयूर प्रभु, रौनक प्रभु, कल भी बहुत लोगों ने नई स्वराज क्रिया ली, तो इनको सीधी लेवल 5 से ही मिल गई, यानी आगे के 4 लेवल्स जरूरत नहीं है. तुम जल्दी आ गए थे, तुम्हें ज्यादा खिलौने दिए कि नए आए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज कॉन्शियसनेस इज इवॉल्विंग. अरे हर क्षण में कुछ ना कुछ इवोल्यूशन चल रहा है, और क्या पता वो सोल्स इतनी इवॉल्व हो कि इस लेवल की इवोल्यूशन के बाद ही उनकी एंट्री परमिटेड थी यहां पर. सो डोंट थिंक कि ऐसा क्यों. 5 चीजें होती हैं साधना में. नंबर 1, ब्रेथ.
Yes. Breath patterns, breath watch, ये तुम्हारी vital air body, तुम्हारे प्राणमय कोश को सक्रिय करती है. क्योंकि तुम्हारा प्राणमय कोश जो है ना, वो भी समय क्षेत्र के अकॉर्डिंगली घटता है, बढ़ता है. मार्केट. तुम्हारा जो प्राणमय कोश है, the vital energy body, five bodies you know, ये सारे तो concepts इसलिए समझा के रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5. The second body is vital air body. उस first is the physical body, second is vital air body. वहाँ पर जो प्राण शक्ति है, वो समय और क्षेत्र के साथ घटती और बढ़ती है. सुबह तुम उठते हो, अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ पाते हो, और रात को तुम सोने जाते हो, अपनी एनर्जी तुम्हारी कम हो गई. यानी प्राणमय कोश में बदलाव आता है. यहाँ तुम रात को 4-4 घंटे, 5-5 घंटे सो कर भी अपने आप को कितना एनर्जी से भरा हुआ फील कर रहे हो, यानी प्राणमय कोश में बदलाव आता है. ये प्राणमय कोश यानी एनर्जी बॉडी, इसके अंदर चेंजेस आते हैं ड्यू टू स्पेस एंड टाइम. किस स्पेस में हो अभी तुम? मेरी ऑरा में हो अभी तुम? इस स्काई ऑफ एटर्निटी में हो, इस डिविनिटी में हो, तो तुम्हारी एनर्जी अपने आप रेज हो रही है, तुम खुद फील कर रहे हो. इतना तुम घर पर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तुम लोग कितना जाग रहे हो, कितना बैठ रहे हो, कितना कुछ सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, एंड स्टिल यू फील सो फ्रेश. यस और नो? 3-3 घंटे सो रहे हैं हम लोग. रात को 1:30 बजे तो यहाँ से गए, 2:30 बजे तक कुछ रिव्यूज चल रहे थे, और सुबह 6 बजे तो उठना ही होता है. यहाँ पर साधना में आना था, बट स्टिल सो सो फ्रेश, बिकॉज वाइटल एयर बॉडी जो है वो गेन करती है एनर्जी को, और वो लूज भी करती है. सो डिसाइड करना कि तुमने कहाँ जाना है. किसी किसी जगह जाओगे ना, तुम्हारी एनर्जी सक कर लेती है वो जगह, और किसी किसी जगह जाओगे तुम फील करोगे हमारी एनर्जी लेवल एकदम एलिवेट हो गया, बढ़ गया. हाउ इट हैपन्स? बिकॉज जो वाइटल एयर बॉडी है, और वो ब्रिज है, तुम जानते हो ना, फिजिकल बॉडी और बाकी सारी बॉडीज के बीच का ब्रिज है, वो तुम्हारा डिपेंड करता है तुम कहाँ जा रहे हो उसके ऊपर. और उसको टैप करने के लिए हम सबसे पहले ब्रीदिंग से शुरू करते हैं. ये ब्रीदिंग से हमारी वाइटल एयर बॉडी को हम टच करते हैं, फर्स्ट थिंग. देन इन दिस साधना वी ब्रिंग साउंड. साउंड इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. साउंड क्या है? ईश्वर, ईश्वर तत्व, यानी बिग बैंग से पहले, व्हेन देयर वाज डार्कनेस, जब वहाँ कुछ भी नहीं था, उस डार्कनेस के समय के अंदर देयर वाज नथिंग. जब बैंग हुआ तो बैंग के साथ सबसे पहले साउंड आया, और उसके बाद लाइट आई. तुम्हें याद है ना वो ब्लैक वाला अपना पिक्चर? आई थिंक सबको बाय हार्ट होगा. तुम्हें क्या, तुम्हारे बच्चों को भी बाय हार्ट हो गया है? इतना बच्चे भी बोलते हैं वी नो व्हाट इज बिग बैंग, और अपने टीचर्स को जाके समझा कर आ जाते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी है. सो गॉड की जो पहली मैनिफेस्टेशन है, जो उसका पहला प्रकट रूप है, गॉड यानी इनफाइनाइट एनर्जी. मैं राम की और कृष्ण की बात नहीं कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन गॉड. हर रिलीजन कहते हैं गॉड इज वन. हाउ? ऊपर से कहते हैं राम अलग, कृष्ण अलग, रहीम अलग, जीसस अलग. वी मस्ट अंडरस्टैंड वी आर रेफरिंग टू वनेस इन कंटेक्स्ट ऑफ एनर्जी. एनर्जी इज वन. उस एनर्जी का जो पहला प्रकट रूप है वो साउंड है. यस, बैंग हुआ. बैंग हुआ मतलब साउंड आया, साउंड के बाद लाइट आई, वॉट एवर. उसके बाद धीरे धीरे मैनिफेस्टेशंस आगे बढ़ती गई, कॉन्शियसनेस ने अपने अलग अलग रूप धारण करने शुरू कर दिए. इसलिए यहां साधना में एट SRM साधना का दूसरा चरण यानी दूसरी इंक्लूसिविटी होती है साउंड. कोई ना कोई ध्वनि तरंग तुम सुन रहे हो. 10 साल से मैंने कभी ध्वनि के बिना ध्यान नहीं कराया. भले ध्वनियों के पैटर्न्स बदलते गए, लेकिन साउंड हैज टू बी देयर. और हमारे साउंड्स यूजुअली बाइनॉरल बीट्स को फॉलो करते हैं, और वो बाइनॉरल बीट्स यानी तुम्हें रिलैक्सेशन पे भी ले जाती है और अवेकन भी करती है. ये दोनों काम एक साथ करती है. सो वी चूज ओनली दोज बीट्स. साउंड का दूसरा यहाँ पर आधार है SRM में. तीसरा, चक्रस एंड केंद्रास. पूरी जर्नी चली अपनी 10 सालों में, सब कुछ समझाया. चक्र इन द स्पाइन, केंद्रस इन द फ्रंट साइड ऑफ योर बॉडी. ये सारा जैसे जैसे तुम ब्रेथ से वाइटल एयर बॉडी को टच करते हो, साउंड के साथ उसे ट्यून करते हो. टच करोगे ब्रीथ के साथ,
वाइटल एयर बॉडी को, तुम्हारे एनर्जी बॉडी को. और एनर्जी बॉडी को क्यों टच करना है? बिकॉज गॉड इज एनर्जी. एनर्जी बॉडी पर ही क्यों काम कर रहे हैं हम? क्यों माइंड एंड इंटेलेक्ट पर काम करके खड़े नहीं हो सकते? हमें एनर्जी बॉडी पर ही काम क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज वी आर इन सर्च ऑफ दिस इटर्नल एंड इनफाइनाइट ब्लिस विच इज रेफर्ड टू एज गॉड, विच इज रेफर्ड टू एज एनर्जी, विच इज रेफर्ड टू एज वननेस. वहां तक पहुंचना है उसके लिए हम सबसे पहले ब्रेथ को टच करते हैं. ब्रेथ को टच करते हैं फिर साउंड के साथ ट्यून होते हैं. यस, यही हो रहा है. टचिंग एनर्जी बॉडी थ्रू ब्रेथ, ट्यूनिंग द एंटायर सिस्टम. ये पांचों सिस्टम जो है, तुम्हारा फिजिकल एयर बॉडी, फिजिकल बॉडी, वाइटल एयर बॉडी, फिर कौन सा है, मेंटल, देन इंटेलेक्चुअल, देन ब्लिस, देन कॉन्शियसनेस. ये पांचों बॉडी तुम्हारी कॉन्शियसनेस के साथ ट्यून ही तब होती है जब साउंड और ब्रेथ दोनों का समन्वय होता है. कितना कुछ हो रहा है साधना में. तुम्हें लगता है 24 मिनट के साधना क्या है? अभी लगाई, शुरू करी, एक आध बढ़िया डीप स्लीप लिया और बाहर निकल गए. नो, लॉट ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस मैकेनिज्म इज गोइंग विद इन. मैं अभी खाली तुम्हें पूरा ये मैकेनिज्म एक शॉर्ट में बता रही हूँ. देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन चक्रस एंड केंद्रस. क्योंकि जो ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, जो ये फिजिकल बॉडी है, उसके अंदर जो भी चक्रस और केंद्रस की लोकेशन है, उन्हीं के बीच के अंदर हमने देखा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, हमारे सारे ग्लैंड्स हैं, सारे सिक्रीशंस हमारे वहाँ से होते हैं. तो ट्यून योर बॉडी टू द हायर डायमेंशंस, उसके लिए हम वापस चक्रस और केंद्रस को स्ट्रेंथन करते हैं, उसको संतुलन में लाते हैं, बैलेंस करते हैं और उन्हें एक्टिवेट करते हैं. तीन काम करते हैं, संतुलन करते हैं, सक्रिय करते हैं. संतुलन यानी बैलेंस, सक्रिय यानी एक्टिवेट, और तीसरा सशक्त यानी स्ट्रेंथन. तीन काम करते हैं एक साथ चक्र और केंद्र के ऊपर. ये तीन काम एक साथ होते हैं, सशक्त करना, संतुलित करना और सक्रिय करना. ये तीन काम इस बॉडी पर होते हैं. सी हाउ इंटेंस. तुम्हें लगता है 24 मिनट, 24 मिनट्स की क्रिया है, लेकिन उसमें कितना कुछ हो रहा है. स्टेप वन पर टचिंग योर एनर्जी बॉडी बाय ब्रेथ पैटर्न. स्टेप टू पर ट्यूनिंग विद साउंड, साउंड के साथ ट्यूनिंग करते हैं. उसके बाद अपने चक्रस और केंद्र यानी अपना पूरा फिजिकल सिस्टम, तुम्हारा बायोलॉजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, एस्ट्रल सिस्टम, इन सभी को हम सक्रिय करते हैं, संतुलित करते हैं और सशक्त करते हैं. ये तीन काम करते हैं. उसके ऊपर व्हाट इज साधना नंबर फोर्थ कम्स, टेक्निक. कोई टेक्निक डिज़ाइन करते हैं. हर साल तुम देख रहे हो कोई ना कोई टेक्निक डिज़ाइन करते हैं. क्योंकि ये सब बातें समझ में आ जाए, तुम्हें ये समझ में आया ब्रेथ, तुम्हें ये भी समझ में आया साउंड, ये भी समझ में आया चक्र, लेकिन अगर इनको गूथा नहीं गया, आटा भी है, पानी भी है, घी तेल भी है, नमक भी है, लेकिन गूंथना होगा तो रोटी बनेगी. दाल भी है, पानी भी है, प्रेशर कुकर भी है, लेकिन कहीं कोई एक टेक्निक चाहिए जो इन सबको इकट्ठा करे और एक दाल पका कर हमें दे. इसी तरह से समझ और टचिंग, ट्यूनिंग एंड एक्टिवेटिंग, ये तीनों काम यहाँ पर हो जाने के बाद चौथी चीज जो चल रही है SRM के साधना में, वो चल रही है टेक्निक. हर साल हम नई नई स्वराज क्रिया को तो फ्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें पता है मैं कुछ ना कुछ नई नई साधना तुम्हारे उसके अंदर डालती ही रहती हूँ. न्यू टेक्निक्स. वही अरड़ की दाल है, वही सब कुछ है, लेकिन हर जगह स्वाद अलग अलग होता है कि नहीं. तो इंग्रेडिएंट सही रहेंगे लेकिन टेक्निक नहीं होगी तो स्वाद नया आएगा. और यू आर लुकिंग फॉर नित्य नवीन स्वाद. Yes. और इसलिए सद्गुरु का काम ही है कि टेक्निक्स नहीं लाते रहे. और क्या पता कौन सी टेक्निक, कौन सा स्वाद किसको पसंद आ जाए, किस स्वाद को कौन पकड़ ले और उसके ऊपर उठेगा. और हर चाहे स्वाद में नमक कम हो ज्यादा हो, चिली कम हो ज्यादा हो, लेकिन दाल है तो प्रोटीन तो देगी कि नहीं. इसी तरह किसी साधना में तुम्हें मजा आया, किसी में नहीं आया, पर टेक्निक है, इंग्रेडिएंट्स है, तो तुम्हें प्रोटीन,
ऑफ एनर्जी मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा. सो व्हाट इज साधना एट SRM? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ प्लस साउंड प्लस चक्रास एंड केंद्रस प्लस टेक्निक प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरुज ग्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट. होता क्या है जब भी कोई सदगुरु आता है तो ये पांचों समवाय इकट्ठे हो जाते हैं. जब भी कोई सदगुरु पैदा होता है तो ये पांचों सदगुरु की उत्पत्ति के साथ साथ ही, जैसे गुलाब का फूल खिलता है तो फूल के खिलने के साथ साथ ही सुगंध पैदा होती है, कोमलता पैदा होती है, अलग से नहीं. तो जैसे जैसे एक सदगुरु तत्व पैदा होता है ना, तो उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती है. और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो मेरे साथ चल लिया या जो बुद्ध के साथ चल लिया वो बुद्ध, बाकी जो नहीं चल पाया, क्योंकि गुरुज ग्रेस यानी ये अभी जितने समय मैं हूँ ये उतने समय रहेगी. मेरे जाने के बाद शायद थोड़े टाइम रहे, शायद थोड़े टाइम रहे, क्योंकि तुम मेरे से कनेक्टेड रहे हो. इट्स नॉट दैट मैं अगर चली भी जाती हूँ यहाँ से, लेकिन चूंकि तुमने मुझे पिया है, जिया है, और साथ में तुम्हारे पास एक टेक्निक भी है, तो उस समय तक के लिए तुम्हें ये ग्रेस मेरी मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है. इसी को सत्पुरुष का योग बल कहा जाता है. सत्पुरुष का योग बल क्या है? यही है कि गुरु है तब जिसने पिया है, जिया है, गुरु के बाद भी कोई कोई ऐसे लोग जो टेक्निक जिनके पास है और जो पूरे कमिटेड डिवोटेड है, उनके लिए गुरु की एब्सेंस में भी काम हो सकता है, लेकिन तुम उसकी प्रतीक्षा मत करना. तुम उसकी नहीं, सबसे पहले यहां से गायब होते हैं गुरु. और जब गुरु चले जाते हैं पर टेक्निक बच जाती है, तो यहां से बनने शुरू हो जाते हैं संप्रदाय. समझ में आ रही है बात? संप्रदाय बनते कैसे हैं? गुरु हैं तब तक तो कोई बड़ी बड़ी विधि की जरूरत ही नहीं, 24 मिनट गुड एनफ. लेकिन फिर जब गुरु चले जाते हैं, अब संप्रदाय को टिकाना है, तो ये 24 मिनट की क्रिया दिन में 4 बार करनी शुरू कर देते हैं. सुबह का प्रतिक्रमण, दोपहर का प्रतिक्रमण, शाम का, रात का, 5 प्रतिक्रमण करते हैं शायद, ऐसे दिन में 5 बार शुरू कर देते हैं. प्रतिक्रमण भी एक ऐसी टेक्निक थी जिस टेक्निक के माध्यम से तुम्हारी जो लंका है वो जल सकती थी, तुम्हारा आंतरिक स्वरूप उघड़ सकता था. लेकिन महावीर थे, उनकी ग्रेस थी, तब तो उन्होंने प्रतिक्रमण की टेक्निक निकाली. लेकिन अब महावीर चले गए, लोग पीछे से टेक्निक कर रहे हैं खाली. साधना का मूल जो पकड़ थी वही गायब हो गई. ठीक है, कब तक चला सकते हो चला के देख लो, लेकिन उन लोगों के जीवन में कोई नूर, कोई उत्सव, कोई मस्ती, कोई आनंद तुम्हें नजर ही नहीं आ सकता, क्योंकि मूल वस्तु ही गायब हो गई है. तो सबसे पहले यहां से जाती है गुरु की ग्रेस, क्योंकि जब तक गुरु है पूरा है 100%. जिस दिन गुरु गया उसके बाद थोड़े थोड़े फ्लिकर्स रहते हैं, लेकिन साथ में रह जाती है टेक्निक. टेक्निक भी धीरे धीरे लोग अपने हिसाब से बदलते रहते हैं. 24 मिनट के बदले चलो ना 20 मिनट कर लेते हैं, चलो ना 18 मिनट कर लेते हैं, अपने आप बदलते रहते हैं. यहाँ से सारा डाइल्यूशन शुरू होता है. चक्रस केंद्रस जो बहुत ही, जैसे क्या क्या करना है, स्ट्रेंथन भी करना है, बैलेंस भी करना है और एक्टिवेट भी करना है, तीनों काम करने हैं, वो तुम्हारे हो नहीं पाते, तो तुम्हारा इन क्रियाओं पर से भरोसा धीरे धीरे उठने लगता है, छूटने लग जाता है. फिर ये साउंड और ब्रेथ क्या करेंगे? वर्तमान में कुछ साधनाओं में खाली ब्रेथ रह गया है. कुछ साधनाएं जिसे लोग ध्यान कहते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकती. हाँ, ब्रेथ पैटर्न है, अच्छा है, वाइटल एयर बॉडी को टच करती है, लेकिन खाली टचिंग द वाइटल एयर बॉडी उससे काम थोड़ी हो रहा है. टच के बाद ट्यून करना है, ट्यून के बाद एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट के बाद एक्टिवेट के साथ साथ बैलेंस करना है, बैलेंस के साथ साथ और क्या था, संतुलन, सशक्तिकरण और क्या है, सक्रिय, सक्रिय संतुलन और 300 है, याद रखने पड़ेंगे तुम्हें. यस, आई गॉट इट. ये भी करना होगा. इन चातीनों का मिश्रण,
टेक्निक हैज टू बी देयर और वो टेक्निक को पलटते रहना पड़ेगा हर बार स्वाद नया लेकिन प्रोटीन वैसा ही और इनके साथ गुरु की ग्रेस सब कुछ चाहिए साधना अभी तुम जिस जगह खड़े हो एट द एंड ऑफ 10 years एट द बिगनिंग ऑफ 10 years आई बिलीव यू हैव ऑल द साधन्स राइट नाउ ऑल द 5 things यू हैव ब्रेथ की टचिंग के माध्यम है कितने कितने अलग अलग अब इस स्वराज क्रिया में मैंने 1 pattern और डाल दिया है साउंड है तुम्हारे पास बाइनॉरल साउंड भी है और अब नेचुरल साउंड्स भी आ गए हैं यस और नो आज जो सुबह हमने किया चक्रस केंद्रस की पूरी समझ है टेक्निक भी है और गुरु की ग्रेस भी है ये पांचों चीजें जहां है दिस इज साधना एट SRM एक की भी कमी हो साधना पूरी नहीं होगी एंड वी आर द ब्लेस्ड वंस कि अभी हमारे पास ये पांचों चीजें हैं सो लेट्स सेलिब्रेट अवर एग्जिस्टेंस हाथ ऊपर करके लेट्स सेलिब्रेट अवर एग्जिस्टेंस यस और इन पांचों का समन्वय ही साधना है एक होय तीन काल में परमारथ का पंथ एक होय परम कृपाणु देव ने कहा 3 काल में परमार्थ का पंथ एक ही है और वो परमार्थ का पूरा पूरा पंथ वो पूरा पूरा मार्ग वो पूरा पूरा रास्ता क्या है वेयर यू गेट साधना के नाम पर ये पूरी पूरी क्लैरिटी तुम्हारे पास हो पंच के पंच पांचों के पांचों तत्व तुम्हारे पास हो जैसे 5 भूत है वैसे ही ये 5 तत्व जब तक साधना के तुम्हारे पास नहीं है तुम पूरे नहीं हो सकते सो यही मार्ग है और इसी मार्ग को उघाड़ने बार बार हर थोड़े थोड़े समय बाद कोई सद्गुरु आता है टुडे वी आर हेयर टू लॉन्च द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्वराज क्रिया फ्रीजिंग